हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष और हर्ष साइंस प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला एक होममेड इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, इसे कैसे बनाते हैं इसकी फुल डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, इसे बनाना काफ़ी आसान है और ये 5 वोल्ट के सप्लाई से चल जाता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है रिवर्स और फॉरवर्ड में। तो इसे बनाने का प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसने स्क्रू निकाल भी डाला और आप जो है टाइट भी कर सकते हैं इसे स्क्रू, तो आपके छोटे मोटे कामों में काफ़ी काम आएगा। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं जो है 12 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप कट कर लूँगा। फ्रेंड्स, ये आपको आराम से हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप जो है सीलिंग पाइप भी यूज़ कर सकते हो, वो मेरे पास नहीं था इसीलिए, तो मैंने जो है अब हेक्सा से इसे कट कर लिया है और अब जो है हम सैंड पेपर से इसे थोड़ा घिस लेंगे ताकि इसे अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो और कटर की मदद से इसके अंदर का जो चूरा होता है वो हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो इतने अच्छे तरीके से। अब जो है हम एक गियर मोटर इसमें यूज़ करने वाले, आप जो है N20 मोटर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब जो है हम मार्किंग कर लेंगे सर्कल शेप, उसका शाफ्ट उसके अंदर फिट होना चाहिए। तो मैं जो है सोल्डर गन की मदद से उसके वहाँ होल कर दूँगा। तो अब जो है हमें दो माउस स्विच चाहिए, इसे आप लिमिट स्विच भी कह सकते हो, तो ये भी आपको पुराने माउस में से मिल जाएगा। तो आपको जो इस तरीके से इसे चिपका देना है, तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। तो अब इसकी भी मार्किंग ले लेते हैं हम, और इसका भी हम कैसे कट कर लेंगे, मैं सोल्डर गन की मदद से इसे कट कर लूँगा। तो मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। तो अब जो है हम पीवीसी शीट ले लेंगे और दो सर्कल कट कर लेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर के हैं। आप जो है इसका रेडियस राउंडर से भी माप कर सकते हैं और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं मार्कर की मदद से बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मैं जो इसे कट कर ले रहा हूँ सीजर की मदद से, तो इसे कट कर लिया है। अब हम सैंड पेपर से इसे थोड़ा घिस लेंगे अच्छी तरीके से एक बार। तो अब घिसने के बाद हम जो है एक फीमेल सॉकेट ले लेंगे 5 वोल्ट का सॉकेट जो कि चार्जर से चल जाता है आराम से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्केल है उसका एक छोटा सर्कल के साइज़ का है वो, तो हम उस साइज़ का सर्कल ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमें सोल्डरिंग करनी है, तो इसके कनेक्शंस काफ़ी इजी है। इसमें जो है आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, आप कैसे भी कनेक्शंस कर सकते हो। आप देख सकते हो आपको जो स्विच के जो लास्ट पॉइंट है उन्हें लास्ट में कनेक्ट करना है और इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसका डायग्राम भी मैं मेरे कम्युनिटी में दे दूँगा, अगर नहीं दिया तो आप मुझे कमेंट्स में याद कर सकते हैं। तो अब जो है हमने गियर मोटर पर भी वायर सोल्डर कर लिया, तो बीच में जो है गियर मोटर को हमें वायर सोल्डर कर लेना है, वो वायर हमें सोल्डर कर लेना है और जो फर्स्ट दो पॉइंट से वहाँ हमें 5 वोल्ट सॉकेट का वायर कनेक्ट करना है। तो मैंने जो है दो वायर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं सॉकेट के लिए, तो आप देख सकते हो। तो आप हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, तो बस सॉकेट का हमें बचा है कनेक्शन। तो अब जो है हमने और एक सर्कल सिर्फ कट कर लिया है और अब जो है सॉकेट का हमने इसमें फिट कर लिया, सॉकेट का भी कनेक्शन हो चुका है। तो अब जो है हम इसे ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे दोनों को, और मोटर जो है आपको अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होगा चिपकाने के लिए। तो मैंने जो है अभी एक स्क्रू ड्राइवर का छोटा सा बिट लिया और पेन की बॉडी ली है, तो हमें जो है अच्छे तरीके से उसे फिट कर देना है। और मैं रेड पेपर टेप की मदद से अच्छे से लगा दे रहा हूँ। तो अब हमारे ये बनने ही वाला है, तो देख सकते हो अब जो है मैं ग्लू गन की मदद से इसे चिपका दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये लास्ट में कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम मोटर को उस मोटर का जो शाफ्ट है वो होल में से बाहर निकाल लेंगे और मोटर पर भी ग्लू लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब मोटर को भी हमने चिपका दिया, अब इसे जो है 10-15 मिनट सूखने के लिए रखते हैं।
तो सूखने के बाद हम जो है उस पेन रिफिल को भी थोड़ा सा ग्लू गन में लगा देंगे ताकि वो गियर मोटर के शाफ्ट में अच्छे से फिट हो सके। तो अब जो है हम ऊपर का पार्ट बनाने के लिए एक और सर्कल कट कर लेंगे। तो हम पीवीसी पाइप आप जो है कुछ ढक्कन ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं इसे आगे लगाने के लिए। तो देख सकते हैं अब जो हम इसे ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। फिर से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इस चैनल पर मिलते रहें। तो आप देख सकते हैं अपन मैंने चिपका दिया है। तो चिपकाने के बाद अच्छे एकदम आपको अच्छे से चिपका देना ताकि कभी निकले ना। तो देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है बनके रेडी हो चुका है। ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो है आपको मैं इसका स्क्रू खोल के दिखा देता हूँ। तो मैंने जो चार्जर कनेक्ट कर लिया और जो ऊपर का कुछ स्विच है उससे जो है स्क्रू निकलता है और नीचे से जो है टाइट होता है नीचे का स्विच से। तो आप देख सकते हो थोड़ा स्क्रू निकलना बाकी है अभी। तो और ये मैंने स्क्रू निकाल दिया है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। तो अब जो इसे फिर से टाइट करता हूँ तो देख सकते हो ये जो निकल गया है देख सकते हो आसानी से। फ्रेंड्स वीडियो